आइडिया क्लियर? चले यार, आज तो समय बच गया है ना कि सर अब क्या करें, टाइम बच गया, स्ट्रेट लाइन खत्म हो गई, पेयर ऑफ लाइन खत्म हो गई, तो अब क्या करें? तो चलो स्लो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो व्हाट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन? एवरीवन नो, लोकस ऑफ पॉइंट। लिखना चाहोगे? लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, लिख लो लिख लो। लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉन्स्टेंट। हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉन्स्टेंट। फिक्स पॉइंट को कुछ कॉल कर दो कि सर फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा। तो जहां तुमने डेफिनेशन लिखी है ना, वहां पर फिक्स पॉइंट के साथ में लिख दो फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट के साथ में लिख दो आर। कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी तुमको दे दी मैंने, आर, राइट। तो पॉइंट का लोकस निकालना है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा इज आर। तो चलो डायरेक्टली लोकस लिखते हैं, हटाओ। तुम तो जानते हो सर, लोकस में पहले आप इसको एच के लिखोगे, फिर रिलेशन आने के बाद आप कहोगे एच के को एक्स वाई कर दो। तो हटाओ, हम लोग थोड़ा सा स्टेप कम कर लेते हैं। लेट अस डायरेक्टली मूव टू एक्स वाई। तो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू राइट लोकस। तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद लो कि सर लोकस कम्स आउट एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। सही? और इसको एप्टीट्यूड से तो तुम ड्रॉ कर ही दोगे, है ना, कि सर यहां पर एक नेल गाड़ दीजिए, उस नेल से एक थ्रेड आर लेंथ का बांध दीजिए, एक एंड थ्रेड का बांध दीजिए टू नेल, और आर थ्रेड को स्ट्रेच कर दीजिए, जो अदर एंड है उसको पकड़ के टाइट कर दीजिए। अब उस दूसरे एंड को मूव कराओ। तो अगर उसको तुम मूव कराओगे प्लेन में, तो यू विल कम टू नो कि सर एक सर्किल फिगर बन रहा है। सही है ना? तो ट्रेस करने से यू गेट लाइक दिस। तो वॉट एवर दिस लोकस इज वी कॉल इट सर्किल। एंड दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ये सब बच्चों वाली बातें तुम लोग सब जानते हो। और ये जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस था आर, दिस इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैंने सीधा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके आई आंसर्ड। ठीक, तो आई थिंक दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सर्कल। लोकस विल बी अ सर्कल। अब एक काम करते हैं, जो भी तुम्हारा आंसर आया है तो यू यू कैन रिमेंबर दिट, है ना। लोग सर्कल के इक्वेशन को डायरेक्टली याद रखते हैं कि हाँ कॉम्पास से बनाया, बिल्कुल जतन, है ना। तो आई थिंक सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस आर। ठीक, तो इक्वेशन यू में रिमेंबर। अब थोड़ा सा हम लोग और अच्छी मैनिपुलेशन करते हैं, जरा इस इक्वेशन को एक्सपेंड करूं। तो इफ यू एक्सपेंड इट तो आई गेट, खोल दो ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स बीटा वाई। आई कलेक्ट ऑल टर्म्स वन साइड,
सर इक्वेशन ऑफ सर्किल इज कमिंग लाइक दिस। ठीक, तो जिस तरह से तुम लोग याद रखते हो ना कि सर स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन होता है, याद रखते हो कि नहीं कि सर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तुम कभी कहते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तुम कभी कहते हो कि सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज ए लाइन, ऐसा कहते हो कि नहीं कि एक लीनियर x और y में स्ट्रेट लाइन होता है। उसी तरह से हम लोग सर्किल को भी याद रखते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जनरल फॉर्म, तो वी प्रेफर टू रिमेंबर लाइक दिस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म, मतलब एवरी सर्कल कैसा भी सर्कल हो यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस इट्स इक्वेशन लाइक दिस, हमेशा तुम उसकी इक्वेशन को इस फॉर्म में ला सकते हो। तो यू कैन नाउ ऑब्जर्व कि सर्किल की इक्वेशन कैसी होती है, इट कंटेन एक्स स्क्वायर, एक टू डिग्री इक्वेशन दिख रही है कि सर एक टू डिग्री है, और तुम उसमें यह भी बात नोटिस कर रहे हो कि सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट वन बना दिया देखो आपने, और क्या यह बात भी नोटिस कर रहे हो कि सर देर इज नो एक्स वाई, इट कंटेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन को रटना है तुमको, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल इज लाइक दिस। अब और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। वंस यू रिमेंबर सर्किल इन जनरल फॉर्म, तो तुमको यहां से इक्वेशन को देख करके डायरेक्ट सेंटर और रेडियस का आंसर बताना आना चाहिए कि डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन, जैसे तुम लोग को लाइन की जब इक्वेशन मैं देता हूं तो डोंट यू थिंक कि सर हम लोग स्लोप आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि लाइन की इक्वेशन का स्लोप ये है, उसी तरह से तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुमको अगर सर्किल की इक्वेशन दी जाए तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट्स सेंटर इट्स रेडियस। ठीक, तो वो बहुत आसान है। एक काम करते हैं, मानते हो ये जो आपने आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर इसका मानते हो मुझे सेंटर पता है, मानते हो इसका मुझे रेडियस भी पता है कि सर इसका सेंटर जो है ना वो अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक, तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को इससे आइडेंटिकल करते हैं कि सर ये सर्किल को मान लेते हैं कि ये सर्किल सेम एज दिस सर्किल है। ठीक, ये दोनों एक ही सर्किल दिखा रहे हैं, तो कंपेयर कर दूं क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम सर्कल्स हैं, तो ये दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो यू विल एग्री कि सर फ्रॉम हियर आई कैन से कि जी इज माइनस अल्फा बाय कंपेयरिंग, एफ इज माइनस बीटा एंड कॉन्स्टेंट सी बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर अब मैं आपको सेंटर का आंसर करता हूं। योर सेंटर इज, सेंटर अल्फा बीटा था ना, सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा क्या आ रहा है माइनस जी माइनस एफ, दिस इज योर सेंटर। नाउ व्हाट इज योर रेडियस, मानते हो रेडियस आर है, तो रेडियस इज इक्वल टू, अब तुम आंसर ऑब्वियसली जो सर्किल की क्वेश्चन है उसी के टर्म्स में लिखना चाहते हो ना कि सर मुझे आंसर जी एफ और सी में चाहिए, तो डोंट आंसर इन अल्फा बीटा कि आर की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, नहीं अल्फा को पुट करवाओ भाई, अल्फा माइनस जी है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, दिस इज योर रेडियस। तो यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर, तुमको सर्किल की इक्वेशन के साथ उसका सेंटर
उसका रेडियस। अब तुम कैसे भी रटो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि सर रटने में जोर आ रहा है कि पहले सर्किल की इक्वेशन सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को वन बनाना जरूरी होता है, वन। फिर इस तरह से लिखने के बाद जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बाई टू, यार कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2g है यार, है ना, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई बाई टू इज योर सेंटर, है ना। तो ये इतनी छोटी बात है कि तुम बहुत फैमिलियर हो जाओगे यार, है ना। और रेडियस के लिए भी तुम समझ गए, है ना, कि सर वो ठीक है यार, क्या बोलूं मैं। डन क्विकली। इजी ठीक है। तो सर्किल का जनरल इक्वेशन एंड इट्स सेंटर इट्स रेडियस इज क्लियर। चाहो तो मैं तुमको एक बात और भी यहां से सजेस्ट कर सकता हूं, इस इक्वेशन को एक रियल सर्किल, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट रियल सर्किल। रियल सर्किल मतलब समझते हो कि यस इन रियलिटी इट इज अ सर्किल, है ना। अरे रियल सर्किल का मतलब है जो वाकई में ड्रॉ करने पर एक सर्किल बने। तो तुम यहां से सोच सकते हो कि सर ये अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी का पॉजिटिव होना भी जरूरी है। तो कंडीशन फॉर रियल सर्किल इज पॉजिटिव, ठीक, कि ड्रॉ किया और वो वाकई में एक सर्किल बन रहा है, ठीक। अब इसमें तुम एक बात सोच सकते हो, हालांकि लोग यहां इक्वालिटी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यार इक्वालिटी को तुम लोग चाहो तो अलग से कमेंट करो कि सर अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 है तो इसको हम लोग बेटर कॉल करते हैं पॉइंट सर्किल। दैट विल ओनली बी अ पॉइंट, है ना। एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज 0, तो इसका मतलब है एक्स कॉमा वाई इज ए पॉइंट, अल्फा कॉमा बीटा सिंगल पॉइंट डॉट, ठीक। तो उसको हम लोग पॉइंट सर्किल बोलते हैं। और रही बात नेगेटिव, इफ नेगेटिव, तो उस केस में तुम समझ जाओगे कि यार रूट के अंदर नेगेटिव तो दिस इज समथिंग इमेजिनरी, और तुम लोग जानते हो कि इमेजिनरी वी ओनली डिस्कस रियल थिंग। तो इसको सर्किल तो तुम अभी भी बोल सकते हो, बट वी कॉल इट इमेजिनरी सर्कल। क्लियर। पॉइंट क्लियर। तो अगर कंडीशन पूछी जा रही है फ्रॉम जनरल इक्वेशन तो इट इज इजी टू रिमेंबर, है ना, कि यार रियल सर्किल ये होगा उसके लिए क्या थॉट, है ना। सोचने दो। लेट अस टॉक अबाउट इट जनरल 2 डिग्री इक्वेशन।
दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट सर्कल. आई वॉन्ट टू नो कंडीशन. ठीक है, तो बहुत आसानी से तुम बोल दोगे कि सर वो अभी अभी हमने डिराइव किया था कि सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्मेट में आती है. तो यू कैन क्विकली आंसर कि एक्स वाई को जीरो कर दो, है ना. एज वेल एज एक बात और, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन था ना, तो ऐसा तब हो पाएगा ना जब ए और बी बराबर. मेक ए इक्वल टू बी, तो ए से डिवाइड कर दूंगा ना. तो अगर आप ए से डिवाइड कर दोगे तो जिस फॉर्मेट में मैंने जनरल इक्वेशन निकाली थी उस फॉर्मेट में आ जाएगी कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई सी इक्वल टू जीरो, है ना. नहीं, ए कॉमा बी वन नहीं, गलत बात है ना. अरे इस पूरी इक्वेशन को मैं दो से मल्टीप्लाई करके नहीं दे सकता कि सर इस इक्वेशन को आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर फोर जी एक्स फोर एफ वाई प्लस टू सी, तो क्या ये गलत हो जाएगा. ठीक है ना, बुद्धि लगाओ. अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है तो डिवाइड करके वन बना सकता हूं ना. तो मेरे ख्याल से इतनी कंडीशन सफिशियंट है फॉर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट सर्कल. बाकी अब अगर इसके फर्दर में जाता हूं कि यार वो रियल सर्कल, इमेजिनरी सर्कल, पॉइंट सर्कल, तो वो तुम अच्छी तरह समझते हो, सही है ना, कि सर वो तो हम टैकल कर लेते हैं, राइट. अब चलो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, है ना, कि सर ये तो बहुत लल्लू बातें हो रही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत फहमी हो जाए कि सर्कल इज एक्सट्रीमली इजी. हालांकि सर्कल वाकई में बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें तुमको 10th क्लास की बड़ी फीलिंग आएगी, है ना. तुम्हारे 10th क्लास के जो खराब कंसेप्ट है ना वो तक सुधर जाएंगे, है ना. चलो कुछ इक्विवेलेंट प्रॉब्लम्स देता हूं. जैसे तुम लोग सर्किल को डिफाइन करते हो ना कि डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, उसी तरह से सर्किल को एक और अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग. तो लेट अस सी दिस. ए एंड बी दे आर फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक. गिवन, ऑब्वियसली गिवन पॉइंट ही तो होंगे, तभी तो फिक्स पॉइंट कॉल करोगे तुम. तो दे आर सम गिवन पॉइंट्स. आई एम सपोज टू फाइंड लोकस ऑफ पी, लोकस ऑफ पॉइंट पी. ऑब्वियसली आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन मूविंग इन अ प्लेन. ये जो भी सवाल किए जा रहे हैं ये सब प्लेन की बात हो रही है. मैं थ्री डायमेंशन स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग टू डी ज्योमेट्री कर रहे हैं. ठीक, ओनली टू डायमेंशन ज्योमेट्री राइट नाउ. तो पॉइंट ऑब्वियसली मूविंग इन एक्स वाई प्लेन. ये सारा डिस्कशन एक्स वाई प्लेन का है. एक्स वाई प्लेन पर ए पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन पर बी पॉइंट है, आपको पी मूविंग इन एक्स वाई प्लेन चाहिए, लोकस सेटिस्फाइंग सच दैट इज कॉन्स्टेंट. आपको कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी दे देता हूं, लैम्डा. ठीक है, तो लैम्डा इज सम गिवन कॉन्स्टेंट. ठीक, प्रॉब्लम क्लियर. और जो गिवन कॉन्स्टेंट है वो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव. फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी, बताओ. तो इसमें बेसिकली केसेस बनेंगे कि सर लैम्डा मतलब पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू, ठीक. तो मैं एक केस की बात कर रहा हूं, अगर लैम्डा वन हुआ तो. चलो इसका आंसर तो तुम बताओगे, इफ लैम्डा इज वन व्हाट विल बी द लोकस, बताओ. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना. देन लोकस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ ए बी। वेरी इजी कि सर एक स्ट्रेट लाइन आंसर आएगा, कि ए और बी है, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कर दो, तो एवरी पॉइंट ऑन इट विल बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्रॉम बी। तो एक केस तो क्लियर। ठीक, अब चलो अगले केस की बात करते हैं। अरे अभी तो सर्किल आया ही नहीं लोकस में, आंसर तो लाइन आ गया। ठीक, अब एक दूसरे केस की बात करते हैं। इफ लैम्डा इज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू वन, कोई भी एग्जाम्पल सोच लो कि सर लैम्डा टू है। अब लोकस फाइंड करना है पी ए अपॉन पी बी बराबर टू, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं। ठीक, तो मुझे लोकस निकालना है, तो तुमको कुछ इंटरेस्टिंग थॉट सोचने का बताता हूं, है ना, तो कंसंट्रेट करना, क्योंकि बात तुम लोग जानते हो सर, ज्यादा मुश्किल बात आप और कम बताते हो। ठीक, इजी तो फिर भी रिपीट कर दोगे, लेकिन जो बात थोड़ी ज्यादा अच्छी गहराई वाली होगी ना, उसको आप रिपीट नहीं करोगे, है ना, क्योंकि आप आलसी हो, आप ज्यादा जोर तो लेते नहीं हो। ठीक है, डिफिकल्ट बात को वन टाइम बताने में कितना जोर लगेगा, अब कोई कहेगा कि दोबारा बता दो, तो यार आप इतना बर्डन कैसे लोगे, आप तो लोगे ही नहीं। ठीक, तो बी केयरफुल। ओके, ए बी राइट, ये नोन पॉइंट है। अब तुमको पी का लोकस निकालना है, राइट, मानते हो आउट ऑफ इनफाइनाइट पोजीशंस ऑफ पी, पी की बहुत सारी पोजीशन होंगी जो कि इस कंडीशन को वैलिड दिखाएगी कि सर रेशियो जो है ना लैम्डा आ गया। आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट पोजीशंस, क्या तुम कॉमन सेंस से बता सकते हो कि सर पी के वो सारी पोजीशंस में से दो पोजीशन, तो मैं आपको यूं ही बता सकता हूं, दो पी की पोजीशन जो है ना वो ए बी को ज्वाइनिंग लाइन पर ही मिल जाएगी आपको, बाई सेक्शन फॉर्मूला, एक इंटरनल रेशियो से और एक एक्सटर्नल रेशियो से। सोचो इस बात को। ठीक है, तो एक पी की पोजीशन ए बी को इंटरनली लैम्डा इज टू वन डिवाइड करके मिल जाएगी कि सर मान लीजिए दिस इज वन पोजीशन ऑफ पी जो लैम्डा रेशियो वन इंटरनल से ऑप्टेन हुई। तो अब मुझको एक बात सोच के बताओ, क्या तुम एग्री करते हो कि ये पी वन का कोऑर्डिनेट निकल आएगा सेक्शन फॉर्मूले से, आई विल ऑप्टेन इट। तो क्या ये जो पी वन है इसको मैं एक नोन पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं कि सर पी वन अब मुझे नोन है। ठीक, इसी तरह से एक पी की पोजीशन इसी लाइन पर एक्सटर्नल रेशियो से मिलेगी, है ना। तो कई लोग इस बात को समझ गए कि सर ये पॉइंट भी एक नोन पॉइंट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। यहां तक सबको समझ में आ गया। तो जो भी तुम्हारा लोकस आने वाला है, क्या इस बात को एग्री करते हो वो लोकस इन दो पॉइंट से पासिंग आएगा, क्योंकि पी वन और पी टू लोकस का पार्ट है। यहां तक बात ठीक, फाइन। तो लोकस विल पास थ्रू पी वन एंड पी टू, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अभी तक मैं लोकस में पहुंचा नहीं ना यार, खाली लोकस के दो पॉइंट बता दोगे तो क्या लोकस निकल आया। ठीक, अभी नहीं निकला। अब चलो जनरल बात करते हैं कि सर कहीं मान लीजिए, लेट पी बी समवेयर, कहीं और मानो, चलो ये है पी, एक जनरल पोजीशन पी की। ठीक, मान लो ये भी तुम्हारे लोकस का पार्ट है, मान लो, तो मैंने क्या किया, तुम अगर ये पी लोकस का पार्ट है तो तुम तुरंत बोलोगे कि सर क्योंकि ये लोकस पी की पोजीशन है, तो तुम कहोगे कि इसका मतलब है आपकी कंडीशन पी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर तुम ये भी बोल रहे हो ना कि सर पी वन भी तो लोकस का पार्ट है,
तो पी वन भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, पी टू भी लोकस का पार्ट है, इस बात में किसी को कोई तकलीफ नहीं कि हाँ सही है ना। तभी तो पी विल लाई ऑन लोकस, है ना, लाई ऑन कर्व, जो कि पी की पोजीशंस को शो करेगा। अब मैंने क्या किया, जस्ट समझने के लिए कि चलो यार पी को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या है ना। अब जिसके पुराने कंसेप्ट्स, पीछे के कंसेप्ट्स स्ट्रांग है, वो इस फिगर को देखेगा, एक ट्रायंगल, और वो इस रिजल्ट को देखेगा, कहेगा यार ये कुछ फीलिंग आ रही है, इसे इसे देखकर कुछ फीलिंग आ रही है। वेरी गुड निशांत, है ना। तो देखो निशांत को फीलिंग आ गई और आदित्य को भी आ गई, ठीक है। अब जरा इसे देख करके फीलिंग बताना कि सर इसे भी देख के कुछ फीलिंग आ गई, है ना। गुड तनीषा, अविशा, साक्षी, नमन, मनन, मनन, पूर्वी, आर्यन, अनुषा, पार्थ, यश, आर्यन, प्रियम, शिव, अभिलेख, जिन्नाब, साहिल, भावेश, एंड आई थिंक एक नाम मिस हो गया, समर्थ आई थिंक था या नहीं, समर्थ, हाँ समर्थ, प्रणय। तो देख लो, आप देख सकते हो कि क्लास के लगभग सभी लोगों को फीलिंग है। प्रांशुल, है ना, सुधांशु, वेरी गुड। अब तो देखो, अब मेरे को, अब मेरा भी कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है, अब नाम पढ़ने में दिक्कत है, वंश, नक्षत्र, है ना, सुधांशु आई थिंक आई कॉल्ड ना, आयुष। ओके बस अब ठीक है, इनफ, प्रिंस, ठीक। अब जिसके नाम नहीं लिए डोंट माइंड, अप्रतिम, ओके बस ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों ने मुझे रिप्लाई कर दिया कि सर एंगल बाइसेक्टर है ना, कि ये तो ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है, बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल, तो ये आपका ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक। फिर उसी तरह से लोगों ने ये भी मुझे बता दिया है कि सर ये एक्सटर्नल है। अब इसके आगे का कमेंट करें, यहां तक की तो बात तुम लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट बता दी, दे आर बाइसेक्टर्स ऑफ पी, हाँ ठीक है प्रगति। अब इसके आगे की बात बताओ, अब नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट व्हाट, और अगर कोई मुझे लोकस बता देगा ना तो वो तो मतलब एक्सीलेंट हो गया। वेरी गुड नक्षत्र, अब तुम लोकस भी बता ही दो। भविष्य, गुड, क्या बात है समर्थ, वेरी गुड। कार्तिकेय, साहिल, कुणाल, रुद्र, वेरी गुड वेरी गुड। समर्थ आई थिंक मैंने कॉल कर दिया ना। तनिष्क, तनिष्क मैं मिस कर गया, साक्षी, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से लोगों के आंसर आ चुके हैं, आदित्य का भी आ गया है ना, तो ऑलमोस्ट नहीं, तनिष्क मुझे ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट आंसर नहीं चाहिए, है ना। साहिल, गुड, प्रणय, फाइन। तो मेरे ख्याल से लोगों ने रिप्लाई कर दिया, यश ऑल्सो करेक्ट, कि सर वो बाइसेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी तो बोलिए, और जैसे ही बाइसेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो तुमको तो मेरी आदत पता है ना,
है ना, तुम लोग को मेरी आदत का ज्ञान है कि सर वो 90 एंगल देखते ही फीलिंग आती है कि दिस एज डायमीटर, है ना। तो लगभग बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ चुके हैं। तो लोकस इज अ सर्कल विद पी वन पी टू एज डायमीटर, गॉट इट। ठीक, तो आई थिंक माई आंसर टू द प्रॉब्लम फॉर दिस, तो योर आंसर इज सर्कल विथ पी वन पी टू एज डायमीटर। और तुम समझ पा रहे हो कि पी वन और पी टू तो मैं निकाल लूंगा ना यार, मैंने तो पहले कहा था सेक्शन फॉर्मूले से पी वन पी टू आ चुका है। तो लोकस इज ए सर्कल, ठीक। और खाली ऐसे नहीं कि लोकस सर्किल होगा खत्म, नहीं, सर्किल तो बहुत सारे होते हैं, तो तुमको यह भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पी वन पी टू को डायमेट्रिक एंड्स लेकर के, है ना। एंड वंस यू नो डायमीटर, तो मुझे लगता है तुम सेंटर और रेडियस सब बता दोगे कि सर पी वन पी टू की डिस्टेंस वो डायमीटर हो गया और पी वन पी टू का मिड पॉइंट वो सेंटर हो गया, तो मेरे ख्याल से योर सर्किल इज कंप्लीटली नोन, गॉट इट। अब चलो तुमको थोड़ा सा एनसीईआरटी मेथड बताऊं कि एनसीईआरटी इस तरह के प्रॉब्लम कैसे करता है, ठीक है। बाकी मेरा बिल्कुल बहुत मेरा एकदम स्ट्रांग ओपिनियन है कि एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ठीक है ना। तो वो बेसिकली तुमको एक ऑल्टरनेट थॉट सोचना सिखा रहा है कि देख भाई तुम ज्योमेट्री से अगर ऐसा कुछ ना सोच पाओ तो कम से कम सवाल तो कर लो, ठीक। कि अगर मान लो तुमसे ज्योमेट्री से ये थॉट तुम नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, हालांकि ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो आगे इस बात को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगा कि यू डोंट नो द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, कि पी ए अपॉन पी बी लैम्डा है और तुम मुझे डायरेक्ट अगर नहीं बता पाओगे तो मतलब तुम मेरी नजरों में गिर जाओगे, ठीक है। कि अरे यार इसको तो ये भी नहीं आता कि पी ए अपॉन पी बी लैम्डा से लोकस सर्किल, समझ गए। तो आगे के लिए तुम केयरफुल रहना कि नहीं, हमको तो इस सिचुएशन का आंसर डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, राइट। अब चलो तुमको थोड़ा सा एनसीईआरटी वे भी बता देता हूं। जब प्रॉब्लम में वो कह रहा था कि ए और बी फिक्स पॉइंट है ना, तो पता है एनसीईआरटी क्या करेगा, एनसीईआरटी कहेगा कि चलो अच्छा ए और बी फिक्स पॉइंट है तो मान लो लेट ए अप फॉर कैलकुलेशन, लोग इजी करना चाहते हैं कि सर ए और बी को मैंने एज्यूम कर लिया और कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं कि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो, लेट ए बी दिस बी बी दिस। अब सीधा आंसर करते हैं पी ए अपॉन पी बी लैम्डा, तो तुम जानते हो मैं डिस्टेंस की मदद लेने जा रहा हूं, एक काम करता हूं एच के नहीं लेके सीधा एक्स वाई, पी ए स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर पी बी स्क्वायर, कुछ लोग समझ गए, ये रहा आपका आंसर। अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, तुम इसके आगे खुद करना कि सर आई कलेक्टेड, तो ये जो इक्वेशन है ये सर्किल के फॉर्मेट की इक्वेशन आ गई, मतलब इट कंटेन एक्स स्क्वायर इट कंटेन वाई स्क्वायर, वो भी सेम कोफिशियंट, सही है ना, एक्स वाई कॉन्स्टेंट, ये इस फॉर्मेट की इक्वेशन आ गई। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि वॉट एवर इक्वेशन इट इज कमिंग टू बी रिप्रेजेंट सर्कल, है ना, क्योंकि वो सर्किल का हमने फॉर्म रट रखा है। आइडिया इज क्लियर, ठीक। और फिर एक बार इक्वेशन आ गई तो तुम तो जानते हो कि सर अगर मैं इक्वेशन तक पहुंच गया तो इक्वेशन से मुझे सेंटर निकालना आता है, लोकस रेडियस निकालना आता है, ठीक। तो आई थिंक आइडिया इज क्लियर कि अगर कहीं क्वेश्चंस में कभी फंस जाओ कि यार मुझसे कंसेप्ट मतलब कुछ ज्योमेट्री की मदद से नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मान के कर लो ना यार कि हम इक्वेशन की मदद से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया, ठीक।
तो चलो नेक्स्ट क्लास कल कंटिन्यू करते हैं, होमवर्क एक्सरसाइज वन इज ओवर है ना। एक्सरसाइज वन में एक क्वेश्चन छूटा था, उसको तुम अप कर लेना। तो टुमारो आई विल डिस्कस, अब तो एक्सरसाइज टू है, थोड़ी सी अच्छी एक्सरसाइज है, स्टिल तुम कम से कम 12 क्वेश्चन तो करके आओ यार, एक से लेकर 12। वैसे 12 से अच्छा 13 ज्यादा अच्छा फिगर होता है ना, कि सर 13 प्राइम नंबर इज गुड, ओनली 13 प्रॉब्लम्स। ओके चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद। और एक प्रॉब्लम जो छोड़ा था वो भी कर लेना, अरे केवल 13 दिए, करो ट्राई तो करो। चलो बाय, जय हिंद।